व्हाट इज एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बहुत ही लास्ट मिनट मैंने डिसाइड किया कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं। अभी जस्ट मैं नहा के उठा हूँ और आज जो सोमवार होता है या जो सावन का जो पहला मंडे है, तो आज ये तो थोड़ा सा मंदिर जाएंगे अपन। फिर अपना वेज डाइट अभी चल रहा है कंप्लीट, क्योंकि सावन आ चुका है। तो सावन में जो चिकन अंडे सब चीज़ें मैं नहीं लेता हूँ एक महीने पूरे, तो एक महीने अपन पूरा वेज डाइट लेंगे। तो जो भी वेजिटेरियन लोग हैं या जो भी वेज खाना प्रेफर करते हैं, उनके लिए आज वीडियो जो होगी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी और उनको मील आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आप तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोगों को प्रोटीन गोल अपना हिट करना है, अगर ज़्यादा प्रोटीन गोल है तुम्हारा तो तुम्हें 2 स्कूप वे लेना पड़ेगा, अगर कम है तो 1 स्कूप वे से काम चल जाएगा। अभी मैं अपना 1 स्कूप नहीं लेता हूँ, अभी मैं अपना 2 स्कूप वे ले रहा हूँ आजकल, क्योंकि मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है फिलहाल। और बाकी जो भी प्रोटीन की गोल्स है, मैं अपने जो सोया है, पनीर है और भी सारी चीज़ें जो मैं वीडियो में बताऊँगा उससे मैं ले रहा हूँ। तो आज की वीडियो देखना, मजा आएगा। तो मंदिर से घर वापस आ चुके हैं और मंदिर में इतनी भीड़ थी कि पूरा धक्का मुक्की होने लगा। मैं जल्दी जल्दी पूजा किया, वापस आ गया। तो अब चलते हैं अपना पहला मील बनाने। मैं या लखनऊ में रहूँ या मैं यहाँ रहूँ, या मैं वेज डाइट फॉलो कर रहा हूँ या नॉन वेज डाइट फॉलो कर रहा हूँ, एक मील जो है मेरी फेवरेट रहती है हमेशा। पता नहीं इसका किसने इन्वेंशन किया है, जिसने भी किया होगा वो उसके लिए मुझे एकदम सल्यूट है। तो पहली मील मैं कहीं भी रहूँ यही लेता हूँ, जो कि है मेरा ऑल टाइम फेवरेट। ये कन्फ्यूजन होती है कि पीनट बटर इसमें से निकाल के मैं ऐसे रख के मेजर करूँ या कैसे मेजर करूँ। तो मैंने एक तरीका निकाला है, सिंपली आप इसको ऑन करो, ठीक है, पीनट बटर का अपना पूरा का पूरा डब्बा रख दो इस पर, उसके बाद से टेयर बटन जो है उस पर दबा दो, तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना निकालना है इसमें से वो पहले निकालो। तो जैसे कि मैंने अब इतना निकाला, तो ये मैंने मेज़र करके खुद ब खुद माइनस में बता देगा कि 37 ग्राम इसमें से निकल चुका है। सिंपली इसमें डाल दो, तो आपको पूरा निकाल के चम्मच रख के मेजर नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो वेइंग स्केल है गंदा हो सकता है, आपको एक्यूरेट ऐसे पता भी चल जाएगा। तो -30 हो गया इसमें से 37 ग्राम। तो मैंने 37 ग्राम यहाँ पे पीनट बटर ले लिया ओट्स में अपने। तो अपना मील जो है रेडी हो चुका है। फर्स्ट पहले पंखा बंद कर लेते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है, तो ओट्स हैं, दूध है, काजू है, किशमिश है, केला है और ये डेट्स है। तो थोड़ा ये अब जाके हेल्दी होता है। सिर्फ अगर तुम ओट्स और दूध डाल रहे हो तो, जो कि गलत चीज़ है, ओट्स भी डालो, दूध भी डालो 150 ml के आसपास, और पानी भी डालो, उसके बाद से काजू, किशमिश, केला, तब जाके ये ओट्स जो होता है वो हेल्दी बनता है। कोई भी फूड आइटम ऐसा सेलेक्ट करो जिसको तुम खाने में मज़ा है, इन्जॉय कर सको, वरना फिर तुम बोर हो जाओगे। इसलिए मैं आज तक कभी इसको नहीं छोड़ा हूँ। मुझे लग रहा है मैं 7-8 महीने से लगातार मैं इसको खा ही रहा हूँ डेली, कभी ना कभी खाता ही हूँ, कभी ना कभी मैं खाऊंगा ही। मुझे तो जिस दिन चीट डे रहता है उस दिन मुझे यही मन करता है खाने का, मुझे यही खाना है। सभी मैं जस्ट सोच रहा था कि पहले मैं इसी रूम में वीडियोज़ बनाता था, तो मैंने डिसाइड किया था, जब मैंने वीडियोज बनाना स्टार्ट किया तो मैंने डिसाइड किया था कि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होगी मैं इस कमरे में बैठ के बनाऊंगा। ये मेरे पापा का ऑफिस है, तो जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होगी इसमें बनाऊंगा। और जहाँ से मैंने वीडियो अभी स्टार्ट किया था वहाँ मैं जितने भी वर्कआउट की वीडियोज़ होगी वो वहाँ बनाऊंगा। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज़ फेस करने पड़ते थे उस टाइम पे। होता क्या था कि पंखा बंद कर दो तो गर्मी लगने लगता है, अभी भी लगता है, अभी जब वीडियो बनानी होती है पंखा बंद करना पड़ता है, गर्मी लगने लगता था। प्लस अभी भी नॉइज़ आप सुन रहे होगे बाहर की, जो मेन पॉइंट जो अपने वीडियो का बोलने जा रहे हो उसी टाइम पे ट्रक की बहुत तेज़ आवाज़ आती थी, पे अब बहुत इरिटेशन होता था, अब वो फ्लो टूट जाता था, फिर से वहाँ से स्टार्ट करो 1 से लेकर 2 तक। तो ये सब चीज़ें मुझे सीखते सीखते बहुत टाइम लगा। फिर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि भाई वो तो आवाज़ करेगा ही करेगा, तुम्हें जो बोलना है वो तुम बोलो, अब एक प्रॉपर माइक लगाओ, सेटअप लगाओ, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। प्लस एक मेरे पास माइक रोशन जो था उसकी केबल वाली माइक थी, तो उसने मुझे दिया था, तो कुछ दिन तक वो रहा, फिर वो लेके चला गया, अब कैसे बनाई जाए। तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस की गई, उसके बाद जाके थोड़ा लगता है कि हाँ अब आदत हो गया, यूज्ड टू हो गया। और एक और प्रॉब्लम होती थी कि भाई वीडियोज़ में बनाया जा रहा हूँ, कोई देख ना ले, कोई देखेगा तो हंसी आ जाएगा, क्या कर रहा है, फ़ोन से बात कर रहा है, कैमरे में बात कर रहा है अपने से। तुम्हें भी देखना, जब भी तुम कुछ अलग हटके करना चाहोगे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ ये करेंगे, नहीं समझ में आएगा उन लोगों को, लेकिन जब तुम ले आओगे ना तो सब समझ में आने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे, अभी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा जब मुझे पता है। कोई भी चीज़ तुम यहाँ से करोगे तो तुम्हें सब चीज़ मिलेगा। मुझे अभी पैसों के लिए या फेसबुक के लिए वीडियोज़ नहीं बनाना है, मुझे मज़ा आता है, मुझे सीखने को मिलता है। मुझे एडिटिंग का ही नहीं आता था, एडिटिंग क्या होती है मुझसे ज़्यादा रोशन जानता था एडिटिंग के बारे में, काइन मास्टर उसने सीखा था बैठ के ये वो, बट मैंने एक दिन में काइन मास्टर सीखी और पहली वीडियो मैंने उससे एडिट की। जब वो एडिट की तो मैंने मुझे लगा कि नहीं यार फ़ोन से बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है,
जो मेरे पास लैपटॉप है, जितनी भी रैम है, जितना भी ये है, उसी से मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा जिससे कि मेरा काम चल जाए। फिर मैंने फिल्मोरा पे आया और फिल्मोरा मैंने एडिटिंग सीखी। फिर मैं सोचा कि प्रीमियर प्रो पे जाऊँ, प्रीमियर प्रो में जा नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा लैग होता था, कंप्यूटर बंद हो जाता था। कंप्यूटर अभी तुम एडिट कर रहे हो, 8-8 घंटे मैंने कीरगंगा और ये सब वाली वीडियो 8-8 घंटे मैंने बैठ के एडिट की है, और जैसे एडिट किया खत्म हुआ तब तक लैग हो गया, कंप्यूटर बंद, सारा चीज़ बंद, सारा डेटा उड़ गया, इतना खून जलता था, इतना दिमाग ख़राब होता था। फिर मैंने धीरे धीरे पेशेंस, थोड़ा थोड़ा सीखना, अदर अदर क्रिएटर्स के वीडियोज़ देखना, कोई मैंने क्लासेज नहीं की, कुछ नहीं की, अपनी ही वीडियोज़ को डाल डाल के वो सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ इधर उधर स्लो मोशन, फास्ट मोशन, पैनिंग, ये वो सारे टूल्स मैंने सीख लिए। अभी मैं सीखते रहता हूँ कुछ ना कुछ, मैं एक पर्टिकुलर टूल नहीं सीखता हूँ या पर्टिकुलर ये नहीं देखता हूँ कि अच्छा यहाँ से कट करना है, देखना किसी की दूसरे की वीडियोज़ देखता हूँ, जिसकी वीडियो देखता हूँ लगता है कि अरे ये इसने कैसे किया, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अब वो उसने फाइनल कट प्रो या बहुत बड़े सॉफ्टवेयर से किया होगा, 50,000-30,000 के सॉफ्टवेयर से किया होगा, बट मैं अपने सॉफ्टवेयर में कैसे उसको कर सकता हूँ। तो मैंने लो बजट पे उन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश की, उन सब चीज़ों को अप्लाई करने सीखने की, थोड़ा एडिटिंग स्किल मेरा सुधर गया। सो जब भी मैं घर आता हूँ या फिर कभी भी वैकेशन के लिए प्लान करता हूँ या सोचता हूँ थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेने के लिए, तो मैं कुछ ज़्यादा ही आलसी हो जाता हूँ और बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने लगता हूँ। उसमें क्या होता है कि जब मैं काम करता हूँ तो मैं कम्प्लीटली उसमें घुस जाता हूँ काम में, और जब मैं पूरा एकदम रिलैक्स मोड में जाता हूँ तो पूरा रिलैक्स रहता हूँ। पता नहीं अच्छी चीज़ है या बुरी। आज देखा था, फिर ब्रेकिंग बैड देखा था, वो पिछली छुट्टी में देखा था, बट इस बार थोड़ा स्ट्रेंजर थिंग्स देखने लगा हूँ। और इसके साथ मेरा क्या हुआ है कि मैं 3 दिन में तीनों सीजन देख गया, 4th सीजन अभी चल रहा है, और ऐसा एडिक्शन हो जाता है ना कोई वेब सीरीज देखने लगता हूँ तो कि अब लगता है कि पूरे कंप्लीट देख लूँ, एक दिन में कैसे भी पूरा देख लूँ, इंटरेस्ट देने लगता है, एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ये 4th सीजन अभी अपना चल रहा है। सेकंड मील में हमारे पास 100 ग्राम राजमा, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए तो नहीं रखा था, अभी 4-5 घंटे पहले रखा था, और अभी थोड़ा सा 1-2 सीटी लगा लेंगे तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा। नमक डाल के सीटी लगा लो, और अगर तुम उसको कुक करना है तो थोड़ा सा प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें डाल के, मैगी मसाला, थोड़े बहुत जो ये मसाले हैं ऐड करके तुम उसको डाल सकते हो, तो ये हेल्दी ऑप्शन है। और 100 ग्राम राजमा में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन देख रहे हो कितना है। तो हमारा मील नंबर 2 है आज का, 200 ग्राम यहाँ पे चावल है और 100 ग्राम राजमा और थोड़ा सा खीरा। तो किडनी बीन्स के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था पहले कि इसमें प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, बट मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा होता है। पैक किया तो मुझे पता चला कि अच्छा 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है। तो जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ अभी 1 महीने के लिए वेजिटेरियन डाइट पे, तो मैं खोज रहा था कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे मैं ले सकता हूं, तो मुझे पता चला कि राजमा जो है बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए मैंने ऐड कर लिया राजमा को। कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था एक शख्स को लास्ट में, तो लोग कहना था कि यार इतना बड़ा कैसे हो गया, ये हो गया, तो भाई इन सबों की जो ग्रोथ होती है बहुत जल्दी होती है। किसके मैं बात कर रहा हूँ नहीं पता है, देखो कितना बड़ा हो गया भाई, इसका अलग ही सिस्टम है, बेड पे सोता है एकदम, एसी वाला खाना, एसी इनके लिए स्पेशल चलता है, दिन भर एसी में रहेंगे, पंखे में रहेंगे, 11 बजे से लेके 1 बजे दोपहर में तुम कुछ भी कर दो, बॉम्ब फोड़ दो उसके सामने, वो नहीं उठेगा, उसको सोने का टाइम है वो सोएगा, वो रात में तुम्हारे साथ खेलेगा, दिन भर रात में तुमको जग सोने नहीं देगा, रात में कहेगा चलो बाहर ले चलो, इधर ले चलो, उधर ले चलो। और खाने में चाहिए इनको, दही चाहिए, ये सब चाहिए, तो मेंटेनेंस इनका हाई, मैं मुझसे जाए मेरे डाइट में इतना खर्चा है उससे ज़्यादा उसका है, पूरा मेंटेनेंस हाई है इनका। बेड में ही सोएगा और यहीं रहेगा, गुड बॉय, गुड बॉय। खाली बस ये WWF खेलना है इनको, WWF, गुड बॉय, गुड बॉय। सो अभी चलते हैं वर्कआउट करने हैं, बट उससे पहले चलते हैं प्री वर्कआउट लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है एक ब्राउन ब्रेड, उसके ऊपर पीनट बटर, ये अपना तो कॉमन है, और अपना बनाना। प्री वर्कआउट मिले मैं बहुत टाइम से लेते आ रहा हूँ, ईजी भी है, कन्वीनियंट भी है, बस ब्रेड लिया, पीनट बटर लगाया और ये डाला, बनाना डाला, काम खत्म। तो वेज का वेज भी आइटम है इसमें कम्प्लीटली पूरा, और काफ भी अच्छा मिल जाता है वर्कआउट के पहले, तो वर्कआउट 1.5-2 घंटे अच्छी चलती है। आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक और बाइसेप्स। मैं वर्कआउट जो रूटीन है आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा वर्कआउट्स पे फोकस नहीं करता हूँ, जब से मैंने जैन के बाद से, फेब के बाद से वर्कआउट अपना अच्छे से स्टार्ट किया है करना इस साल, तो मैंने फोकस किया है कि जितनी भी इंटेंसिटी है उस पर, मसल कॉन्ट्रैक्शन पे, रिकवरी पे, स्लीप पे, इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस उन्होंने किया है, और न्यूट्रिशन पे ना ही मैं ज़्यादा ट्रेन करने जाता हूँ, ओवर ट्रेन पहले मैं कर देता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि मसल रिकवर नहीं हो पा रहे थे। हम ट्रेन तो कर देते हैं, चेस्ट के एक साथ 9-9 कर लेते हैं, 8-8 कर लेते हैं, बट वो रिकवर हो नहीं पाती है। तो हो नहीं पाती है तो उसका फ़ायदा क्या है,
जब आप उस इतना ही ट्रेन करो जितना आप रिकवर कर सकते हो, तो मैं अब उतना ही ट्रेन करता हूँ जितने मेरी कैपेसिटी है कि मैं उसको फूड से स्लीप से रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये नहीं है कि तीन महीने में बॉडी बना के अब सो जाना है, ये तो हमें लाइफ लॉन्ग करना है। तो ऐसी अप्रोच चुनो जो कि उसमें मज़ा है, जो कि आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ कि मैं वर्कआउट उतनी ही करूँ जितनी मैं रिकवरी दे पाऊँ, न्यूट्रिशन उसको दे पाऊँ। यहाँ पे अभी मैं अपना ले रहा हूँ एक स्कूप वे और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो रात का डिनर में हमारे पास है 50 ग्राम सोया चंक्स जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, और 100 ग्राम ऑफ काबुली चना। अभी छोटी सी एडवाइस, काबुली चना जो है ओवरनाइट तुमने सोक करना भूल गए हो या तुरंत किया है, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट कि पानी डाल देना है गर्म और उसको छोड़ देना है 2-4 घंटे के लिए, और फिर भी ना हुआ हो तो एक सीटी कुकर में लगा लो। सो अगर तुम्हें तेल यूज़ करना तो तेल यूज़ कर सकते हो, या अगर तुम्हें घी पसंद है तो घी यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घी लिया है और वहाँ से स्प्रेड कर दिया उसको, और प्याज डालना चाहते हो टमाटर वो भी डाल सकते हो, कोई भी हरी सब्जी है वो भी डाल सकते हो, पर यहाँ पे मैं कम्प्लीटली रॉ बना रहा हूँ। तो जस्ट ये मैंने लिया अपना सोयाबीन, इसमें डाल दिया, और काबुली चना इसके बाद फिर ऐड कर देंगे। इसमें सिंपली दो चीज़ें ऐड करना है अपना, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास है नमक, और यहाँ पे हमारे पास मैगी मसाला अपना, बस इसको उठा के इसमें डाल देना है। एकदम सिंपल रेसिपी है, कुछ लफड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा कुकिंग करने में टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट का काम है, सारा बन जाएगा। तो दिस इज़ आवर फाइनल मील। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 4 ब्राउन ब्रेड और 50 ग्राम सोया चंक्स, 100 ग्राम काबुली चना और 30 से 20 ग्राम के आसपास दही। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन क्वांटिटी की, तो सिर्फ काबुली चना 100 ग्राम और इसमें मिला के 45 ग्राम प्रोटीन है। कौन कहता है कि वेज खाने में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, कभी आप ट्राई करके देखो ये सब चीज़ें, आपको प्रोटीन गोल हिट हो जाएगा। अगर दिन में सोचो आप यही दो टाइम खा ले रहे हो, मान लो तुम एक बार बना लो 200 ग्राम काबुली चना और 100 ग्राम सोयाबीन, और दोनों को स्प्लिट कर दो, 100 ग्राम काबुली चना कर लो और 50 ग्राम सोयाबीन उसमें से स्प्लिट कर लो, दो टाइम में उसको मील में डिवाइड कर दो, तो 90 ग्राम प्रोटीन तुम्हारे ऐसे ही फुलफिल होगा। जो भी लोग वेजिटेरियन है अपना प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पाते, ये सब चीज़ें ऐड करो अपने रूटीन में, अपने डाइट में, तो देखना तुम्हारे प्रोटीन गोल अच्छा से हिट होगा। और जो भी तुम्हारा गोल है, ज़रूरी नहीं है कि मसल बिल्डिंग के लिए ये सब चीज़ें काम आता है, अगर तुमको फिट भी रहना है, नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जीना है, तो तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारे बॉडी वेट से 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप एक अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो जो वेजिटेरियन डाइट लेता है या फिर जो सावन में वेज खाना स्टार्ट करने वाला है। और वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी लोग अभी तक नॉनवेज नहीं छोड़ा है, इस सावन में छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है कि भगवान के पर्पस से या फिर किसी चीज़ के पर्पस के लिए, बट होता क्या है कि बारिश जब होती है सावन में, चिकन वगैरह होता है उन सबों को बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, वो लोगों का जो स्किन होता है वो फूल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन डिजीजेज उन लोगों को होने लगती है, तुम अगर खाओगे तुम्हें भी होगी। तो इसीलिए देखना कि सेल भी जो है वो भी गिर जाती है बहुत सारा। तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम लोग भी छोड़ दो, और ऐसे बॉडी को देखना भी चाहिए कि एक महीना छोड़ के बिना मीट मछली मांस, मैं मुझसे ज़्यादा कोई नहीं खाता होगा, बट मैं एक महीने के लिए जब भी नवरात्र आता है ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ के लिए सही है, बॉडी को भी एक चाहिए कि आपका डाइजेशन भी थोड़ा समझे कि हाँ थोड़ा वो सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, जो भी मटन चिकन ये सब चीज़ें होती है डाइजेस्ट करने में ज़्यादा वक्त लगता है रदर देन ऑल ऑफ दीज वेजिटेरियन चीज़, तो बॉडी को थोड़ा सा एक रिलैक्स भी देना चाहिए कि हाँ चलो एक महीने के लिए उसको साइलेंट करो कि हाँ थोड़ा अपना डाइजेशन प्रोसेस जो नॉर्मल वो करता है वो करे, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और थोड़ा आप मीट मछली सबसे से भी दूर रहोगे। तो देख लो अगर आपको करना है तो कर सकते हो, मैं ऐसे फोर्स नहीं करूँगा। बाकी वेज आइटम्स आपके पास हैं मैंने बता दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टोफू होती हैं, सब चीज़ें भी तुम ऐड कर सकते हो अपने डाइट में, और प्रोटीन को हिट कर सकते हो। तो विद दिस पॉइंट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।